हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स एंड हाउ। मेरे चैनल व्हाट्स हाउ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ यू कैन चेंज व्यू ऑप्शन इन आउटलुक। आप व्यू ऑप्शन को आउटलुक में कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर आप देखेंगे व्यू को चेंज करने के लिए, रीडिंग पेन को चेंज करने के लिए व्यू पर जाएंगे। व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है फोल्डर पेन का। फोल्डर पेन को अगर आपको मिनिमाइज़ करना है, ये जो होता है ये फोल्डर पेन है, ये एरिया को फोल्डर पेन बोलते हैं। तो अगर इसको आपको मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये फोल्डर पेन ऐसे ये वर्टिकल शेप में आ जाएगा। अगर आपको इसी फोल्डर पेन को ऑफ़ करना है तो वो आपको जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। वो आपको सेंट आइटम डिलीट एंड फोल्डर पेन वो आपको दिखाई नहीं देगा। अभी के लिए मैं इसको जो है नॉर्मल पर छोड़ देता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको रीडिंग पेन को कैसे आपको चेंज करना है। रीडिंग पेन को चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए, रीडिंग पेन का एक ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटलुक में होता है वो रीडिंग पेन राइट साइड में होता है। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड में या बॉटम साइड में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल्स हैं ये ईमेल यहाँ पे है और जो उसके कंटेंट होंगे वो नीचे की तरफ आपको शो करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये होता है राइट साइड में, जो कि डिफ़ॉल्ट है आउटलुक का, ये यहाँ पर आपको राइट साइड में शो करेगा और लेफ़्ट साइड में आपके मेल बॉक्सेस शो करेंगे। दूसरा, और अगर आप इसी को ऑफ़ कर देते हैं तो आपका जो रीडिंग पेन है वो नहीं शो करेगा। आपको मेल को रीड करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से, तभी आप जो है रीडिंग पेन को रीड कर पाए। मेरा जो फेवरेट है वो राइट साइड का है। और हाँ, इसमें अगर आपको पेन को थोड़ा बड़ा और छोटा करना है तो इस तरह से इसको ड्रैग करके, माउस से ड्रॉप करके आप जो है पेन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको फोल्डर पेन को अगर छोटा करना है या बड़ा करना है तो आप फोल्डर पेन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसके व्यू को, आइटम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप फ्रॉम सब्जेक्ट रिसीव सेंट आइटम कैटेगरी आ रहा, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, न्यूएस्ट टॉप जो है टॉप पे रहेगा और ओल्डेस्ट जो है यहाँ पे देखेंगे। जैसे वन मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 24 की ईमेल है, मैंने क्या किया, ओल्डेस्ट ऑन द टॉप करके न्यूएस्ट ऑन द, और इसी एरो पर फिर से आप क्लिक करेंगे तो न्यू जो होंगी वो ऊपर हो जाएंगी और ओल्ड मेल्स जो होंगी वो नीचे आ जाएंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बाय डेट का ऑप्शन है। अगर आप बाय डेट में, फ्रॉम में, कैटेगरी वाइज जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कैटेगराइज अरेंज अपने आप से व्यू को कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है ओल्ड टॉप। अगर टॉप में वही ऑप्शन जो एरो से हम कर रहे थे उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ओल्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड आ जाएगा। अगर आप न्यूएस्ट टॉप करेंगे तो न्यूएस्ट टॉप हो जाएगा। और एक ऑप्शन और भी है, आप इसी पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं और अरेंज बाय करते हैं तब भी आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसी पे राइट क्लिक अरेंज बाय क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे डेट कर रखा हूँ। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो फ्रॉम में कर सकते हैं इसको जो है कैटेगराइज, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो डेट है और मैक्सिमम लोग इसको डेट में ही करते हैं। और तीसरा एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे कि आपको फ्रॉम सब्जेक्ट रिसीव कैटेगरी साइज ये सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई नया फील्ड चूज़र लाने के लिए तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और नीचे देखिए यहाँ पे देखेंगे आप फील्ड चूज़र का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएटेड ये सारे कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे इस फ्रॉम का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, टू नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे टू ऐड करना है तो इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ला करके हम ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप टू का ऑप्शन भी, फ्रॉम का ऑप्शन और टू का ऑप्शन दोनों यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप फील्ड चूजर का क्रिएट कर सकते हैं ईमेल में व्यू करने के लिए। एक और ऑप्शन है, अगर आप कस्टम व्यू फील्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम नेम कर करके भी आप जो है नया वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप करेंसी, एक करेंसी का है मैंने बना दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया एक पेमेंट रिमाइंडर के नाम का फील्ड चूज़र यहाँ पे ऐड कर दिया, या यहाँ पे एक ऐड कर दिया। और यहाँ से मैं इसको अगर क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो है करेंसी का भी वो दिखाने लग जाएगा।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना जो आउटलुक है, एक और ऑप्शन है कोलैप्स का ऑप्शन, एक्सपेंड और कोलैप्स का ऑप्शन है, जिसमें कि ईमेल्स को आप ग्रुप वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कोलैप्स दिस ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, और ओल्डर को अगर आप करेंगे, या मैं करता हूँ कोलैप्स ऑल ग्रुप। अगर आप कोलैप्स ऑल ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो ओल्ड वाली का एक हो गया ग्रुप और एक हो गया न्यू मेल्स का। अब हमारी न्यू मेल्स में अगर हमें काउंट करना है तो बड़े इजीली हम मेल को काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे न्यूएस्ट काउंट करना है तो यहाँ से हम न्यूएस्ट को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।